Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. आप लोग लाइक कर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दे, मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दे। आज हम गए थे बर्ड मार्केट, तो हम आज ये हमारे लिए एक पिंचिस और एक पिंजरा लेकर आए हैं। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे सेटअप के ऊपर बहुत सारे जानवर लेकर आ जाएंगे। जैसे कि हमने शुरुआत करी है टर्की बर्ड से, फिर हम लेकर आए गुना फोर, फिर उसके बाद हम लेकर आए ये पिंचिस। आहिस्ता आहिस्ता करके हम हमारे पूरे सेटअप को पूरा का पूरा भर देंगे। अभी हमारी तैयारी है कि हम सोच रहे हैं कि हम कोई कबूतर लेकर आए, बहुत सारे आपको एक सरप्राइज देंगे। तो गाइस अभी हमने देखा कि हमारी जो गुना फूल है ये थोड़ा लंगड़ा के चल रही है, इसकी एक टांग में पता नहीं क्या हो गया, और मुझे लग रहा है इसकी एक टांग के अंदर कोई कील भी चुप गई। अभी मुझे लगा इसके ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर जी इसके कोई पाँव में कोई झटका उठ गया होगा मुर्गी से लड़ने के चक्कर में, तो जिसकी वजह से भी ये ना लंगड़ा के चल रही है। सो गाइस आपको यहाँ पे हमारे जानवर थोड़े कम नजर आ रहे होंगे, फिर हम आपको हमारे जो और बाकी जानवर हम आपको अभी हमारे वो भी दिखा देते हैं। वो इसके अंदर है जी, जो हमारा चूजा है हमने इसको इसके अंदर छोड़ा हुआ है, बाहर इसको सारे के सारे मिलके मारते हैं, और जो हमारे खरगोश हैं इनको भी सब के लिए मिल के मारते हैं, जिसके अंदर उनको खोलते नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो चीज़ लाया हूँ वो ये हम आज जाकर वहाँ से बर्ड मार्केट से तीन चीज़ हो जाइए बटेर लेकर आए हैं, जो माशाल्लाह से बहुत कुछ है। अरे मास्टर गेज के अंदर मिट्टी के अंदर ये खेलता है, देखा उन्होंने बोला है कि ये मेल है और ये फीमेल। उन्होंने बोला है कि ना कि अभी ये अंडे देंगी, मतलब अभी थोड़े दिन के अंदर, दो तीन दिन के अंदर ये अंडे भी दे देगी। हम ये बोल के ना हम अगर इन्होंने अंडे नहीं दिए तो हम इनको हो सके पाए कि हम इन्हें वापस दे दें कोई दूसरे बटेर लेकर। तो आज दे रहे हैं हमारे बटेर, ये कितने प्यारे हैं इसके, एक पूरा वाइट है और एक के यहाँ पर थोड़ा ब्राउन ब्राउन है, जिसकी ब्राउन ब्राउन है मेरे पहचाने वो फीमेल है, और जिसके जो पूरा वाइट है वो मेल है। अरे मुझे चोरी चेक करते देखते उड़ते नहीं उड़ते, मैं तो नहीं लगता कि ये उड़ेंगे, देखिए बस ये थोड़ा थोड़ा कूदते हैं और ये उड़ते उड़ते ही है। अभी ये थोड़ा डरे हुए हैं, इन्हें आज ही लाया ना, अभी इन्हें अंदर बंद कर देते क्या, तो भी अंदर इनको तंग कर दे वो, तो अमीर ने को मास्टर के इसके अंदर ही बंद कर देते हैं हमारा बर्ड जू का मिनी जू का, इसके ताकि यहाँ पे दाना ही पड़ा हो और ताकि यहाँ से दाना भी खा ले। तो हमने इन्हें बंद कर दिया अंदर ही, दिखा बाकी अंदर दिखे उन्होंने दाना भी खाना भी स्टार्ट कर दिया, और हमारी खिंची से हमने इनको सोचा है कि हम इन्हें बार बार छत पे लाएंगे तो अपनी ब्रीडिंग नहीं करेंगे, इनके लिए इनका एक यहाँ पे घर भी लगाएंगे, और आप हम आज जी लाएंगे इनका घर, तो आपको अगले भी लोग करने इनका घर भी दिख जाएगा, और हम इन्हें नीचे हमारे सेने जो घर इसके अंदर रखेंगे ताकि ये वहाँ पे ब्रीडिंग भी कर सके। ऐसे हम इनको बार बार ऊपर नीचे लाएंगे तो ये डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से अंडे नहीं देंगे। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता दिया करेंगे हमारे कल क्या जानवर लाए,
फिर हमने सोचा कि हम आपको कोई एक और सरप्राइज देंगे, जो अगर आपने कमेंट कर, जो चीज़ अगर आप कमेंट करोगे हम वो चीज़ लाएंगे, और जो हमारे हमने सोचा हम वो भी लेकर आएंगे। तो अभी हम जाते हैं, हमको आपसे थोड़ी देर बाद में मिलेगा कि हम नीचे काम है, इसकी वजह से हम नीचे से होकर आते हैं आपसे। सो गाइस, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो हमारे टर्की बटी इन्होंने थोड़ा पानी वानी से पी रहे हैं, मगर इन्होंने थोड़ा दाना भी थोड़ा खुला छोड़ दिया पूरे दिन, उनको दाना वाना भी हमने खाने खाते हुए देखा है, मगर ये हमारे सामने नहीं खाते। अभी हमें ये डर था कि ताकि मर नहीं जाए ये भूखे, जिसकी वजह से इन्होंने थोड़ा दाना वाना खाना स्टार्ट कर दिया। हम इसे पूरे दिन इसलिए नहीं खोलते, हम इन्हें छोकिंग को खोल के हम अंदर जाके बैठ जाते हैं मास्टर केज के अंदर, ताकि ये दाना वाना खा लें। अगर हम इन्हें ऐसे ही खोल के जाएंगे ना, तो क्या पता बिल्ली आके इन पर हमला करे तो इनको नुकसान भी हो जा सकती है। दोस्तों अभी हम नीचे गए थे, हमारे घर वालों ने बोला हमारे जानवर परिंदे बंद कर दो, क्योंकि मगरिब होने वाली है, जिसकी वजह से बिल्ली भी दिन पर हमला ना कर दे। अरे हमारे सारे के सारे जानवर और परिंदे को बंद कर देते हैं। इसी के हमारे टर्की बच्चे कितने आराम से अंदर जाए, जो हमारे ये थे वो इतनी परेशानी करता। तो गाइस देखिए हमारे लिए आपको फिंचिस के बारे में थोड़ी जानकारियाँ बता देते हैं। दोस्तों मेरे को आपको फिंचिस के बारे में कुछ जानकारी बता दूं कि हमने भी हमारे जिससे हम ये लाए उसको बताया कि हमें कि ये जो मेल है, जो मेल होता है उसकी जो चोंच होती है वो ज़्यादा रेड होती है, डार्क होती है मतलब, और जो ये जो फीमेल होगी उसकी चोंच ना वो हल्की होगी, इस पर उसका हल्का कलर होगा और उसका डार्क होगा। जिसमें जो 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 बच्चे होते हैं उसके अंदर ये पता चलता है कि जो बच्चे होंगे ना उनकी यहाँ पे जिस इनकी आँखों के इधर आँसू है आपको दिखी होंगी, जैसे कि इनकी इधर आँखों के इधर आँसू है वो उन बच्चों की इधर आँखों के इधर आँसू नहीं होंगे। और जो बड़े होते हैं इनकी आँखों के इधर आँसू आते हैं, इसका मतलब ये भी अंडे देने के काबिल होगा। अभी हम इनके लिए इनका घर लगाएंगे, उसके बाद ये अंडे अपने लिए अपने अंडे दे देंगे। तो गाइस आज के भी लोग यहीं तक था, तो आज के लोग तो करेंगे हम यहीं पर खत्म। मुझे रखिए जो आपको था यार, अपने भी लोग तक के लिए मुझे दीजिए, तब तक मैं जी अल्लाह हाफिज़।